आज की जो कहानी है वो है बोहरा फूड फेस्टिवल के ऊपर। कंप्लीट मील है हम लोगों के लिए बहुत, और मैंने बहुत सारा खाया है। तो लेट्स बिगिन विद द पान। पहले पान की पिचकारी मारते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फातिमा शिराज और आप देख रहे हैं खाबा, कहानी हर जायके की। आज की जो कहानी है वो है बोहरा फूड फेस्टिवल के ऊपर। बोहरा फेस्टिवल जो कि 24, 25 और 26 फरवरी को जारी है कराची के एक मॉल में जो कि हैदरी में वाक़ है। तो जनाब यहाँ पे हमारे साथ जो है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो इनका स्पेशल बोहरा फूड थाल है वो सर्व किया जा चुका है, वो ये लोग खा रहे हैं। और हमारे साथ जो हैं बोहरा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह से इस थाल को खाया जाता है, इसे सर्व कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अभी ये जो थाल आया और आप मुझे बता रहे थे, तो आप ज़रा मुझे ब्रीफ कर देंगे इस हवाले से कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसको खाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लोग 8 मेंबर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद थाल आता है, सर्व करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग नमकदानी होती है, उससे एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट हम लेते हैं ताकि उससे हमारा मेटाबॉलिज्म और टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग इट्स अ फ्यू राइस होते हैं, उसके ऊपर हम लोग शुगर टॉपिंग के साथ, जो कि एक हैप्पीनेस इवेंट के अंदर हम उसको खास लेते हैं ओकेजन में। और उसके बाद फिर हम लोग अपना मेन मीठा कोर्स डिज़र्ट लेते हैं, इनटेक करते हैं, और ऐसे ही फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम अपना आते हैं मेन खारास कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, इट्स लाइक कुछ भी हो सकता है खारास के अंदर, समोसा, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे रान है जी। और ऐसे फिर सेकंड आइटम आती है हमारी नान और रोस्ट, इट्स रोटी के साथ भी हम लेते हैं इसको। और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग राइस के ऊपर विच इज बिरयानी। अब वो ओकेजन के हिसाब से भी बाज़ दफ़ा करते हैं हम लोग, मोस्टली हम लोग मटन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसके बाद फिर वापस से जब हमारा खाना एंड हो जाता है तो फिर वापस से कोई भी एज अ सिंगल पर्सन वो नमक दानी लेता है और सेंटर में रखता है, और सब उससे फिर पिंच लेते हैं कि जो भी अपना जो मुंह का टेस्ट और टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो एक नॉर्मल वापस हो। तो जनाब मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ा सादरी साहब के साथ, जो कि यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने मुझे तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि दरअसल ये जो बोहरी फेस्टिवल आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके पीछे क्या थीम है, आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या सोच के आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। वालेकुम जी। ये बोहरा फूड फेस्टिवल जो अभी 24 से 26 हो रहा है नॉर्थ वॉक नाथनाबाद में, ये बेसिकली इट्स अ सोशो कल्चरल इवेंट। इस इवेंट का एक बिल्कुल बेसिक आप थीम कह दें कि वी वांट ऑल द कराची आइट्स, ऑल एथनिसिटीज टू कम टू अस, विद अस, हैव फूड एंड हैव अ गुड टाइम। मुझे इनका पूरा ट्रेडिशन ही डिफरेंट लगा है। पहले ये सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मीठा खाते हैं, जो कि हम जनरली आखिर में मीठा खाते हैं, बट ये लोग पहले मीठा खाते हैं, तो मीठा भी बहुत अच्छा था। खाने में बहुत वैरायटी है, नमकीन भी था और थोड़ा माइल्ड भी है, कुछ मिर्चें भी हैं राइस में, मुझे लगा थोड़ी मिर्चें हैं, लेकिन मैं बहुत खुद बहुत मिर्चों वाला खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे बहुत मज़े का लगा। और फिर करी भी ट्राई की हमने, सो देयर इज क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स। अगर आप देखें चिकन भी है ब्रोस्ट ड्राई, और करी भी है और राइस भी हैं। कंप्लीट मील है हम लोगों के लिए बहुत, और मैंने बहुत सारा खाया है। अच्छा है। हमारे शहर में, हमारे मुल्क में ज़रूरत भी है कि डिफरेंट इथोस, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपस में एक दूसरे के फूड को, दूसरे के इवेंट्स को एंजॉय करें। सैफ साहब हमारे दोस्त हैं, बुरी कम्युनिटी से थे, सीनियर आर्किटेक्ट हैं हमारी कंपनी में, और ये इन्होंने हमसे आज पीछे पड़ गया, उन्होंने कहा यार हम चले आना, आपने थाल बुक कराया, मैं चला चलते हैं देखते हैं, इट्स गुड, इट्स लाइक फूड इज़ गुड, डिफरेंट है, हमें मज़ा आ रहा है, डिफरेंट लोग आए हैं। और मैं, आप
नोट करें यहाँ पर आपको बोरी कम्युनिटी के अलावा बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं और ये हम लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो फूड प्लस द वे दे आर सर्विंग इट्स ऑल्सो लाइक अ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग ये गाइड कर रहे हैं कि नहीं 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 इसको चमचे से, अभी देख रहे आपने चमचे से खाना है इसको, इसको ऐसे नहीं पीना है, तो इट्स गुड। ये पान रखे हुए थे यहाँ पर, ये देखें ये पान रखे हुए, इन्होंने बोला आखिर में खाना है। मैंने कह रहा जब तुम लोगों ने मीठा पहले खिलाया है तो हम लोग तो मीठा आखिर में खाते हैं उसके बाद पान खाते हैं, तो लेट्स बिगिन विद द पान, पहले पान की पिचकारी मारते हैं फिर मीठा खाते हैं फिर खाना खाते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब मैंने तो आज का जो बोहरा फूड फेस्टिवल था इसे बहुत इंजॉय किया, मुझे बड़ा मजा आया, एक नया एक्सपीरियंस था। जो लोग नहीं आ सके उन्होंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट मिस कर दी, बिलीव मी। और जो लोग आए थे वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उन्हें यहाँ आके क्या लगा, कैसा लगा, क्या खाया उन्होंने, उन्हें कितना मज़ा आया और उन्होंने क्या चीज़ डिफरेंट ऐसी एक्सपीरियंस की जो इससे पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की थी, खासकर फूड के हवाले से। मेरा एक्सपीरियंस ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के एपिसोड कैसी लगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे किसी नई जगह पे, एक नए खाने, एक नए खाबे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।